फ्रेंड्स। से कम दम 5 रुपए में आप एक कैनवास बना सकते हैं। के लिए हम घर में जो यूज करते हैं कार्टून का बोर्ड या फिर कार्डबोर्ड बोलते हैं इसको, इसको हम बना लेंगे। और दूसरा है बैकग्राउंड पेपर। बैकग्राउंड पेपर आपको मिल जाएगा किसी भी टेलर शॉप में बहुत ही कम दम में, 1 मीटर के आपको 20 रुपए के आसपास लगेगा। व्हाइट सीमेंट हम लेंगे, व्हाइट किसी भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली फेविकॉल यूज़ करते हैं और उसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे। मिलाने के बाद बोर्ड में वो व्हाइट सीमेंट का जो पेस्ट बना है जिसको आप दुकान में खरीदोगे तो उसको ग्लॉसो नाम का बोलता है, फिर हम इसी को यूज़ करेंगे। फिर इस पेपर को हम बैकग्राउंड पेपर को जो ग्लॉसी साइड्स है, ग्लॉसी साइड्स को हम इस बोर्ड में चिपका देंगे। किसी भी बोर्ड चिपका देने के बाद इसको पीछे की तरफ भी हम इस तरीके से वो आठा लगा देंगे। और आठा लगाने के बाद इस साइड को थोड़ा थोड़ा काट के इस तरह से हम चिपका देंगे। और चिपका देने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मतलब आठा जिस तरीके से अगर आप कैनवास घर में बनाएंगे तो मेरा हिसाब से 100 में आपको 15 के आसपास मिल जाएगा, मतलब एक का 5 से 10 रुपया खर्च होगा। तो पीछे की तरफ आप कोई भी मतलब वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते। ये एक्चुअली पीछे का फिनिश मतलब पूरा कंप्लीट कैनवास का फिनिश होता है, इस तरह से पेपर ग्लू से उसको चिपक सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 2 A4 साइज का पेपर, बाजार में आपको बहुत ही कम दम में ही मिलता है, तो ये 2 पेपर को काट के और ग्लू से आप इसको चिपका दे सकते हैं। आप कैनवास अगर आप बनाएंगे तो कैनवास बनाने के लिए ये सबसे अच्छा मतलब बहुत ही कम समय में आपको इस तरह से कैनवास आप बना सकते हैं। और दूसरा बात सबसे अच्छा है ये क्या है, इस तरह से। तो दोस्तों मेरा कैनवास रेडी हो गया है, तो फिलहाल मैंने 2 कैनवास रेडी किया है, कॉम्बिनेशन बहुत है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने उसी कैनवास से एक और पिक्चर बनाया है और उसका वीडियो भी मैं बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा। वीडियो बहुत लंबा है ये जो पेंटिंग के लिए, तो इसके साथ उसको मैं नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों देखिए मेरा 5 रुपये वाला कैनवास कितना अच्छा ड्राइंग हुआ है। तो इसी तरह से दोस्तों आप घर में आप कैनवास बना सकते हैं।